कांग्रेसियों में अंग्रेजों का जींस, प्रदेश भर के कार सेवको अयोध्या में राम के दर्शन कराएगी एमपी भाजपा वीडी शर्मा। राम आंदोलन से जुड़े रहे कार सेवक अंचल सिंह ने से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात। अंचल सिंह हुए भावुक, लगाए जय श्री के नारे। बाबरी विंध्यवास के दौरान हुए थे अपाहिज, वीडी शर्मा का ऐलान, कार को एमपी भाजपा अयोध्या में रामलला दर्शन कराएगी। कांग्रेस के राम मंदिर स्थापना जगह और आमंत्रण अस्वीकार करने को लेकर भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बोले कांग्रेस में राम रंग की कमी क्योंकि अंग्रेजों का जींस है। कांग्रेस पार्टी को आज के दिन और ये जो समय है, ये वो समय है कि दुनिया के अंदर, केवल भारत नहीं, दुनिया आज इस बात से उत्साहित है। हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के लोग इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि लाखों लोगों के बलिदान के बाद 500 सालों में जो समय आया है, तो हम सब तो गौरवान्वित हैं। अगर कांग्रेस को पीड़ा है, कांग्रेस को कष्ट है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस देश के साथ नहीं है और उन्हें अब इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या आज भी कांग्रेस तुष्टीकरण करेगी? जो तुष्टीकरण पर वोट बैंक मानते थे, वो भी रामलला के साथ खड़े हैं, वो भी राम मंदिर के लेकर के उत्साहित हैं। तो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के और कोई नेता हो, उन्हें अब इस देश के अंदर सोचना चाहिए कि वो किस स्थान पर है। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने के लिए आया हूं कि जो 500 वर्षों के इंतजार के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद अयोध्या जी में रामलला कल विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में। लेकिन इस संघर्ष के लिए 1992 में उस कलंक के ढांचे को मिटाने के लिए अपने इस क्षेत्र के आदरणीय अचल सिंह जी वहां पहुंचे थे और उस ढांचे पर, उस कलंक पर ऊपर चढ़े थे। और उसके बाद आप सबने देखा है कि कार सेवा करते हुए वो ढांचा, विवादास्पद ढांचा, कलंक का ढांचा टूटा, आदरणीय अचल सिंह जी नीचे गिरे और उनको इतना वो प्रभावित हुए थे कि आज वो लगातार चलने की स्थिति में आज भी नहीं है। ये वो कार सेवक हैं जिन्होंने अपना संघर्ष और कई लोगों ने जो बलिदान दिया था, उसमें अचल सिंह जी भी एक अपने इस क्षेत्र के कारसेवक थे। मेरा सौभाग्य है और उनके मन की भी अति प्रसन्नता है, उनका हृदय गदगद है कि जिसके लिए पूरे देश के कारसेवक पहुंचे थे और उस ढांचे को तोड़कर संकल्प लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज